गुड मॉर्निंग एवरीवन, झारखंड सीरीज में आपका स्वागत है। आज झारखंड जो है लेक्चर वन स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड, और जानते हैं झारखंड हमारे देश का जो है 28वां राज्य है, ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है? रांची। डिस्ट्रिक्ट कितना है झारखंड में? 24 जिला है। पहले 18 था, राज निर्माण के बाद 6 और ऐड हो गया। 6 जो है कौन कौन सा ऐड हो गया है ये पूछा जा सकता है, तो इसको लिखने जा रहे हैं। जिससे पहला हो गया लातेहार, दूसरा हो गया खूंटी, तीसरी हो गया रामगढ़, सेरायकेला, जामताड़ा एंड सिमडेगा। ये 6 जिला ऐसे हैं जो राज्य निर्माण के बाद बना, ठीक है। अगर झारखंड के बात किया जाए कितना प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। कौन सा 5 प्रमंडल है? संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, कोलहन डिवीज़न, ठीक है। और इसे बात किया जाए कि संत सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है उत्तरी छोटानागपुर, ठीक है। और इसमें कितना जिला आता है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। दक्षिणी सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा की बात करेंगे तो पलामू है, सबसे छोटा है। और इसमें कितना जिला है? 3 जिला है, 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको जो है बाई डिटेल हम बात कर लेते हैं, तो हम झारखंड के मानचित्र ले लिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि पलामू प्रमंडल का, पलामू प्रमंडल इसमें कुल कितना जिला है? 3 जिला। यहाँ देखिए कौन कौन सा 3 है, ये तीन हो गया पलामू प्रमंडल, ठीक है। यानी इसमें क्या है? गढ़वा है, पलामू है और लातेहार है। क्या है? गढ़वा, पलामू एंड लातेहार। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। दूसरा बात करें, दूसरी बात करते हैं उत्तरी छोटानागपुर का, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। यानी इसका बात करें, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा चतरा से लेके रामगढ़ लेते हुए बोकारो, धनबाद, फिर जो है गिरिडीह होते हुए ये हो गया उत्तरी छोटानागपुर। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कितना जिला है सबसे बड़ा ये प्रमंडल है? 7 जिला है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7ों का जो है हम नाम यहाँ लिख देते हैं। क्या क्या है? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो एंड धनबाद। ये उत्तरी छोटानागपुर में आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसके बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वो है हजारीबाग। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है हजारीबाग, ठीक है। लिख देते हैं मुख्यालय हजारीबाग, ठीक है। थर्ड देखते हैं, तीसरा प्रमंडल का नाम लेते हैं तीसरा प्रमंडल का दक्षिणी छोटानागपुर। इसमें कुल 5 जिला है, 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा देखिए इसमें, यानी जो है यहाँ से बात करेंगे और इधर से जो है 3 जिला इधर छोड़ के ये सारा जो है आ जाएगा दक्षिण में, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी छोटानागपुर, ठीक है। और इसमें जो है कितना जिला हो गया? 1, 2 गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, 3 रांची और खूंटी, यानी 3 है। कौन सा हो गया? गुमला,
सिमडेगा, लोहरदगा, ये तो आसी पास है लोहरदगा, इधर से हो गया रांची और खूंटी, ठीक है। इसका मुख्यालय ऑब्वियसली रांची होगा। रांची पर क्या है, झारखंड का राजधानी है, राज्य का ही राजधानी है, तो मुख्यालय तो कहाँ पे होगा, रांची में ही होगा। चौथा हम बात करेंगे, चौथा हम बात कर रहे हैं दिस संथाल परगना का बात कर रहे हैं, यानी संत ये है इधर, ये इधर क्या जाता है, संथाल परगना, संथाल परगना, ये हो गया संथाल परगना। और इसमें जो है छह जिला आएगा, छह जिला कौन सा, देवघर, जामताड़ा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, कितना हो गया, पांच हो गया, एक हो गया दुमका, छः। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उप राजधानी, झारखंड का उप राजधानी कहाँ पे है, दुमका, ये हो जाएगा इसका मुख्यालय। पांचवा बात किया जाए, पांचवा प्रमंडल रह गया है जिसका नाम है कोल्हन डिवीज़न, कोल्हन डिवीज़न, इसमें तीन जिला रह गया है ना, वो कौन सा है, दिस, ये तीन, यानी सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कौन सा तीन जिला हो गया, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ का मुख्यालय कहाँ पे होगा, इसका जो मुख्यालय वो है चाईबासा, ठीक है। तो पांच प्रमंडल कौन कौन सा है, बिल्कुल जो है मानचित्र से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जहाँ पे थे, तो यहाँ से हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल दें कि संथाल परगना में कितना जिला है, सिक्स डिस्ट्रिक्ट है। साउथ दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है, पांच जिला है। कोल्हन में कितना है, तीन डिस्ट्रिक्ट है। और हम मुख्यालय बता चुके हैं, सबका क्लियर है। नेक्स्ट, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर बना गया है, तो 46%, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 46% जो है भाग जो है काट कर झारखंड बनाया गया है। झारखंड का एरिया कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसका विस्तार कितना है, तो बोलता है अगर झारखंड है, झारखंड का मानचित्र अगर इस टाइप से बना है, नॉट एग्जैक्ट बट ठीक है, इस टाइप से अगर बना दिया जाए, इस टाइप से, तो बोलता है कि जो ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट इसका जो लेंथ है वो है 463 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ नीचे का देखा जाए परिमाण, इतनी हो गया 380 किलोमीटर, यही बोल रखा है कि ईस्ट से वेस्ट कितना है 463 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ कितना है 380 किलोमीटर, बिल्कुल याद रखना है, कृपया करके आप लोग देख लीजिएगा। और पूरे भारत का जो है 2.45% जो है झारखंड है एरिया वाइज, ठीक है। झारखंड का बड़ा प्रमंडल, अब यहाँ प्रमंडल की बात किया जाए तो बता चुके हैं कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, एरिया वाइज वही बात हो रहा है, एरिया वाइज, ठीक है। छोटा प्रमंडल कौन सा है, पलामू। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है रामगढ़, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकता है सब एग्जाम में। अगला, कौन सा जो है, कौन सा जिला किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता, यानी ये जो है झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगी है, पांच जिला से लगा हुआ है, तो सारा इसका हम डिटेल बात करेंगे। कौन सा जो है जिला है झारखंड का जो किसी राज्य को टच नहीं करता, ऐसा दो जिला है जो टच नहीं करता, ठीक है। पहले हम डिटेल बात कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे। तो पहले ये बता देते हैं कि कितने जो है झारखंड जो है कितने राज्यों को टच करती है, तो पांच राज्य हैं,
सॉरी पांच जिला लिख दिए, पांच राज्य को जो है टच करती है, पांच राज्यों से, ठीक है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, पांच राज्यों से लगा हुआ है, यानी नॉर्थ में बात किया जाए तो नॉर्थ में कौन है, बिहार है। साउथ में बात किया जाए तो साउथ में कौन है, उड़ीसा है। ईस्ट में बात किया जाए तो ईस्ट में कौन है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में बात किया जाए तो कौन है, छत्तीसगढ़ है। एक और है जिसको हम बोल देते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, तो यूपी है। जैसे पांच जिला है जो झारखंड को टच करता है, इसको हम डिटेल में बात करते हैं। झारखंड को हम मैप ले लेते हैं। अब झारखंड के मैप से हम समझते हैं डिटेल, ठीक है। इसको समझने के बाद फिर से वापस जो है वहां पे हम बात करेंगे। अब देखा जाए यहां से ये जो है लगभग यहां तक कौन है, इधर बिहार है। उत्तर में कौन है, बिहार है, बिहार राज्य है। और ये 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, ये कोई चुना सकता है कौन सा 10 है। पहला है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कुछ पार्ट जो है साहिबगंज का, यानी यहाँ कुछ पार्ट साहिबगंज का, यहाँ पे 10 जिला हो गया, ठीक है। फिर पूछता है कि वेस्ट बंगाल जो इधर कौन है, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है, वेस्ट बंगाल है। ये भी 10 जिला को टच करता है, ये भी 10 जिला को टच करता है। कितना, 10 डिस्ट्रिक्ट हम लोग काउंट कर लेंगे। कैसे, साहिबगंज 1, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो है ना, थोड़ा सा रामगढ़ का थोड़ा हो गया, रांची हो गया, सरायकेला हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये दो मुख्य था। इसके बाद जो है ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र है जो यूपी टच करता है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा, एक गढ़वा एक ऐसा राज्य है, गढ़वा सॉरी एक ऐसा जिला है गढ़वा, जो तीन राज्य से टच करता है। कौन सा, पहला हो गया यूपी, यूपी को टच कर दिया, बिहार को भी टच कर दिया, बिहार को भी टच कर दिया, यूपी को भी टच कर दिया, और ये कौन सा हो गया, ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को भी टच कर दिया, यानी तीन राज्य को ये टच करता है छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बता चुके हैं, यहाँ से इधर जो है, इधर हो गया छत्तीसगढ़ है, और इधर जो दक्षिण में है वो कौन है, उड़ीसा है, ठीक है। इन तीन जिला को उड़ीसा इधर टच कर गया। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड का देखा जाए तो अक्सर प्राय जो है जो जिला है वो किसी न किसी राज्य को अच्छे से टच कर रहा है, सिवाय दो ऐसा जिला है जो टच नहीं कर रहा है। वो दो जिला कौन सा है, तो एक है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। इसको छोड़ के बाकी सभी जिला जो है किसी न किसी राज्य को के साथ जो है सीमा बनाता है या राज्य को टच करता है। तो ये जानकारी आपको हम दे चुके हैं। अब जो है हम चलते हैं उसी पॉइंट पे और हम यहां लिखने जा रहे हैं। तो कौन सा जिला किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, तो दो जिला है, पहला है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। ये दो जिले हैं जो किसी राज्य को टच नहीं करता है। कितना जिला से लगा हुआ है, पांच जिला बता चुके हैं, बिहार के साथ 10 जिला, वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 जिला। झारखंड के जलवायु कैसा है, मानसूनी है और उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये जो है जानकारी था। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं वन लाइनर से, जो है वन लाइनर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो झारखंड के एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको जो हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। झारखंड राज्य का उपराजधानी कहाँ है, दुमका है।
झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार याद रखना है 21 डिग्री से 25 डिग्री, यानी डिफरेंस कितना है 4 डिग्री का, ऐसे याद रखना है 21 से 25, यानी 21 डिग्री 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट, एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, 21 से 25 4 डिग्री का अंतराल है। और जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये भी क्या है 83 से 87, इसके बीच में ही 4 डिग्री का डिफरेंस है। इसमें भी क्या है, इसके और इसके में जो है डिफरेंस कितना है, इसमें भी 4 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है 4 डिग्री का, यानी 21 से 25 और 83 से 87, ऐसे याद कर लेना है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य के विस्तार हम बता चुके हैं। ठीक है, यह 380 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ कितना हो जाएगा, सॉरी ये ये जो है उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ से साउथ कितना है 380 किलोमीटर है ना, यानी नॉर्थ से साउथ सबसे कम है और ईस्ट वेस्ट क्या है सबसे ज़्यादा है 463 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का कितना स्थान है, 15वां, हम उसमें भी लिख चुके थे 15वां स्थान है, कहीं कहीं 16वां होता है, यहाँ 15वां है लिख चुके हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 2.42% अभी हम लोग देख चुके हैं। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के आसीन हो चुके हैं, तो लगभग जो है कितना छः लोग जो है ये हो चुके हैं मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो चुके हैं, कितना छः लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी रहने देना है। झारखंड में कितने जिले हैं, 24, बताने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं, तो इस संसदीय सीट कितना है 20 है, यानी ये बटा हुआ है 14+6 से, यानी लोकसभा में कितना है 14 है और राज्यसभा में कितना है 6 है, इसको ऐसे याद रखना है। लोकसभा में झारखंड में कुल कितने सीटें प्राप्त हैं, बता चुके हैं 14, ठीक है 14 लिखा हुआ भी है। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितना है, झारखंड में कितना कुल प्रखंड है याद रखना है 263। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई 3400 किलोमीटर, इसको याद रखना है, बिल्कुल वन लाइनर है, इसको याद रखना है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि दिया जाए अलग से। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य कुल जिलों की संख्या बता चुके हैं 18 है, 18 था, अब कितना हो गया है 24। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति कितना है, तो 32 जो है झारखंड में जनजाति है, कितना है 32 जनजाति है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी तो बोर है पर राजकीय कौन सा है, स्टेट वाला कौन सा है, तो वो है कोयल है ना, पर राजकीय पशु कौन सा है, तो है हाथी। देश का क्या है सेहत, राज्य का क्या हो गया ये आपका हाथी। नेक्स्ट 21 तक हो चुका था, आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है, देख चुके हैं कोयल, राजकीय पशु कौन सा है हाथी, राजकीय वृक्ष कौन सा है तो यह है साल, पुष्प फूल कौन सा है तो यह है पलाश, न्यायालय कहाँ स्थित है रांची, क्लियर है दिमागे नहीं लगाना है, राजधानी में ही रहता है उच्च न्यायालय। झारखंड गठन के बाद कितने जिलों का गठन हो गया, 6, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ये पहले अब तो नया लोगो बन चुका है, ये पहले के बात है ना। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे प्रयोग हुआ था, तो 4 था जे, ठीक है पहले था ये, अब सर्कुलर हो चुका है, सर्कल जैसा, अभी हम बात कर लेंगे। झारखंड बात कर लेते हैं पहले कैसा था, तो पहले जो है ऐसा था, ये था पहले जिसमें 4 जे था, ये कुछ ना सर का पहले जो 4 जे था और बीच में क्या था अशोक चक्र था जो प्रकृति की निशानी है। अब कैसा हो गया, अब झारखंड का जो है लोगो है ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, तो 3,29,88,134। ठीक है, 3,29,88,000। जनसंख्या दृष्टि झारखंड के भारत का स्थान क्या है,
जनसंख्या के हिसाब से ये 14th है और एरिया वाइज कितना है 15th है, लेकिन जनसंख्या में आ गए ये। और कितना जनसंख्या जो है झारखंड में जो है पूरे भारत का है, तो यह है 2.72%। एरिया कितना है 2.42, लेकिन जनसंख्या क्या है ज़्यादा है 2.72% है पूरे इंडिया का। झारखंड राज्य कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो ये 48.68%। कितने जो है अनुसूचित जाति जो है झारखंड में निवास करते हैं, कितने अनुसूचित जाति, तो 26% है, यानी 1/4 से ज़्यादा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्लियर है रांची है, देश की राजधानी, सॉरी राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पे जनसंख्या तो ज़्यादा होगा ही। नेक्स्ट 35 चलते हैं आगे। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है, लोहरदगा पे है सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 2011 के बाद तो कोई जो है जनसंख्या आकलन नहीं किया गया है, इसलिए 2001 से 11 के बीच में पूछा गया है कितना परसेंट जो है इंक्रीमेंट हुआ था जनसंख्या में, तो 22.5% के लगभग 22.42%। क्या कहना चाहिए, जनसंख्या घर तो कितना है 414, देश का भी लगभग इतना ही है, यानी डेंसिटी मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या है 414। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, तो वह धनबाद, सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी कहीं है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है डेंसिटी, तो सिमडेगा, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। एक कम जनसंख्या और घनत्व, दोनों में अंतर है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, लोहरदगा, और सबसे कम डेंसिटी कहाँ है, सिमडेगा। डेंसिटी मतलब एरिया ज़्यादा है, रहने वाले लोग कम है, ठीक है। राज्य का लिंगानुपात 949, यानी 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं, 949 मान के चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा राज्य, सॉरी सबसे बड़ा जिला, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है सर्वाधिक, और सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात भी इसी जिला का है। सबसे कम ये सबसे खराब बात है कि सबसे कम जो है सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है, ये गड़बड़ बात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठीक है, सबसे कम होना मतलब वहाँ पुरुष ज़्यादा है, स्त्री कम है, ठीक है। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात देखा जाए तो 961 है ना, एवरेज से, एवरेज क्या है पूरे राज्य का 949, उससे ज़्यादा है कहाँ पे, गाँव में। वही शहर का बात किया जाए तो ये कम है, 910 हो जाता है, एवरेज मिलाएंगे तो 949 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात, अब बच्चा में जो है सेक्स रेशियो की बात किया जा रहा है, तो 948 लगभग सेम ही है, एक कम है। जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना था, 66.4%, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ से होगा, ऑब्वियसली रांची होगा, राजधानी है। सबसे साक्षरता कम, सबसे कम कहाँ पे है, तो ये है पाकुड़ याद रखना है ना, बहुत जगह में ये कम है, जिसमें क्या न्यूनतम साक्षरता दर में भी ये आ चुका है। सबसे कम कहाँ पे है, तो वह पाकुड़। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची में ही होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्त्री पढ़ती हैं, ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं, एजुकेशन भी ज़्यादा है, एजुकेटेड लड़कियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सबसे कम पाकुड़ ही होगा, हर चीज़ में जो हो गया साक्षरता दर जहाँ कम लिखा है समझ जाएंगे, वो पाकुड़ के बात किया जा रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST किस जिले में निवास करती है, रांची में, याद रखना है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ये सर्वाधिक कहाँ है, रांची, और सबसे कम कहाँ पे हो गए, सबसे कम कहाँ पे है, तो उसको कोडरमा याद रखना है। सबसे ये क्या है, सबसे ज़्यादा है ST यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ पे है ST, तो वो है कोडरमा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC के बाद क्या जा रहा है, वो है पलामू में, है ना। ये क्या है, ज़्यादा है SC, और सबसे कम जो है SC कहाँ पे है, तो लोहरदगा में है। उपराजधानी कहाँ है, दुमका, बार बार क्वेश्चन आ चुका है ये सब। झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग था, तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हुआ था। स्थापना दिवस भी 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है झारखंड का। झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है, चलिए इसको याद रखना है, 32,620।
यानी 32,620 गांव है झारखंड में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है, महिला से ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, जहाँ स्त्री का जो है कम है, इसका क्या है 76% है। एवरेज कितना है 66, जहाँ पुरुष का साक्षरता दर कितना है 76, 10% मोर देन एवरेज। कौन सा शहर झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी या देवभूमि है ना, वो कहाँ कहा जाएगा, देवघर, ठीक है। राजभाषा कौन सा है, हिंदी, और इसका स्थान क्या है देश में, तो ये 28वां राज्य है। नेक्स्ट, तो हम लोग जो लगभग जो है कितना क्वेश्चन का बात कर लिए, ये लगभग 61 क्वेश्चन, तो लगभग हम लगभग वन लाइन क्वेश्चन सारा हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग जो है कुछ जो है बात कर लेते हैं, इसका जो है कुछ ये याद रखना है आपको, अधिसूचित प्रखंड, प्रखंड की संख्या कितना है 263 हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे कितना प्रखंड है, फिर से बार बार रिपीट होगा, जाहिर सी बात है रिपीट होगा तो और आपको याद होगा, है ना, 263 का हम लोग बात कर चुके थे। अधिसूचित प्रखंड कितना है 112, कितना जिला परिषद है 24 जिला, जिला परिषद भी कितना 24, गांव कितना, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, देखे थे 32,620 गांव है, वार्ड कितना है 1400 वार्ड है, ग्राम पंचायत कितना है 4560 या 4559 के आसपास, ठीक है। अधिसूचित पंचायत 2071, पंचायत समिति 212, ये क्वेश्चन आया नहीं है, जो स्टार है वही क्वेश्चन आया हुआ है। शहरी स्थानीय निकाय कितना है 51, नगर निगम 09, जिससे मेदिनीनगर जो है बना है नया, तो 09 हो गया नगर निगम, ठीक है। नगर परिषद कितना है 21, नगर पंचायत कितना है 20, ठीक है, ये सब याद रख सकते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति 01, ये ठीक है, क्वेश्चन ये आने का है। रांची नगर निगम का स्थापना 15 सितंबर को हुआ था 1979, काफ़ी पुराना है, ठीक है। शहर टाउन की संख्या झारखंड में 228 टाउन है। राज्य में 1,00,000 से 10,00,000 तक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कितना है 10, जिसमें 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में जो है जनसंख्या हो वो कौन सा है 10 जिला है, इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। राज्य में महानगर की संख्या कितना है 3, यानी रांची जमशेदपुर और धनबाद को महानगर कहा जाता है, रे भाई धनबाद रांची तो समझ में आता है, जमशेदपुर धनबाद में दो क्या है महानगर है। छावनी वार्ड कितना है 01 है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बता चुके थे, 3400 किलोमीटर है ये, है ना, और राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राजकीय, राजकीय कितना है 1232। राष्ट्रीय राजमार्ग तो कितना हो गया, जो नेशनल हाईवे की बात हो रहा है ये, और ये राजकीय क्या है स्टेट, ये 1232। विश्वविद्यालय कितना है यहाँ पे, तो विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो केंद्रीय 1 है, राज्य का जो है 10 है, डीम जो है 1 जो है, और निजी कितना है 9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व संस्थान, नॉट इम्पोर्टेंट, राजकीय भाषा हिंदी, इसको याद रखना है, राजकीय भाषा द्वितीय, प्रथम कौन सा है हिंदी है, द्वितीय कौन सा है, तो 16 द्वितीय है, उर्दू भी आता है, संथाली भी आता है, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुटुक, कुरमाली, खोटा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, यानी प्रथम तो हिंदी है, द्वितीय में 16 है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जमशेदपुर है सबसे बड़ा शहर है। मुख्य औद्योगिक नगर कौन सा है, जमशेदपुर है, धनबाद भी है, बोकारो भी है, हजारीबाग भी है, ठीक है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला 6 जिला है, हम पहले ही बता चुके हैं, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खूंटी और रामगढ़, ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका, यानी राजकीय प्रतीक, है ना, इससे क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। तो देखिए राजकीय प्रतीक की बात करते हैं, और इसमें जो है और डिटेल बात करना होगा तो हम अलग से मानचित्र हैं, हम वहाँ से बात कर लेंगे, ठीक है। बोलता है राजकीय, इसका तो हम बात कर चुके हैं, राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल है, फूल कौन सा, प्लास है, राजकीय पशु कौन सा है, हाथी है, और पक्षी कौन सा है, कोयल है, ये तो चारों हम लोग बात कर चुके हैं,
है ना। अब जो है हम देखते हैं अब यहाँ से, है ना, 2022, 14 अगस्त 2000, सॉरी 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 यानी एक दिन पहले इसका अनावरण किया गया और एक दिन के बाद 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी हो गया। ठीक है, यानी इसका कब बनाया गया, तो कब प्रभावी हो गया, 15 अगस्त 2020, याद रखना है डेट 2020। ठीक है, सब स्टार वाला क्वेश्चन है, यह प्रतीक से क्वेश्चन एक तो आना ही है, पक्का है। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार यानी वृत्ताकार है, दिख रहा है कैसा प्रतीक है, कैसा है सिंबल झारखंड का, वो है वृत्ताकार, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार कहना चाह रहा है कि राज्य के ये जो सर्कुलर शेप में है, ये जो है प्रोग्रेस को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। नेक्स्ट, प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है ना। वृत्ताकार खंड में क्या है, हरा रंग का प्रयोग किया गया है और ये हरा रंग क्या बताता है, झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंब करता है। इसमें अब कलर नहीं दिख रहा होगा, अब इसमें देखिए तो दिखेगा कि वृत्ताकार के अंदर जो है हरा भरा दिखाया गया है। ये हरा भरा क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो है जमीन कैसा है, हमारा जो हरा भरा धरती है और वन संपदा से भरा पूरा है झारखंड। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार, देखिए झारखंड सरकार लिखा हुआ है, तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हरा क्यों, क्वेश्चन आ सकता है कि ये वृत्ताकार में हरा भरा क्यों दिखाया गया, हरा रंग से क्यों दिखाया गया है, तो समझ में आ गया है कि झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिनिधित्व करता है ये हरा रंग। फिर बोलता है कि दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है ना। यहाँ पर 24 हाथी है, अभी हम दिखा देंगे। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, यानी धन, ऐश्वर्य मतलब धन संपदा इसके प्रतीक है, साथ साथ राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख गया होगा ये झारखंड हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है और इस वृत्ताकार में 24 हाथी है, जो 24 हाथी क्या दर्शाता है, राज्य के ऐश्वर्य को दिखाता है। ठीक है, और साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट, तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल है, कितना है, 24 पलाश के फूल है को दर्शाया गया है और पलाश का फूल जो है राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, यानी इसके बीच जो फूल दिखाया गया है तीसरा वृत्ताकार में जो है कि इसमें क्या है, 24 सब में 24 हाथी, उसके नीचे क्या है, 24 प्राकृतिक, ये तो ये क्या है पलाश के फूल। तो दिख गया कि हाथ 24 हाथी है, उसके नीचे क्या है, 24 पलाश के फूल है। अब फूल हमेशा क्या दिखाता है आपको मालूम है, ठीक है, ये क्या है राज्य के फूल, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। उसके बाद जो है चौथे वृत्ताकार खंड के बीच, है ना, चौथे वृत्ताखंड अभी दिखाएंगे आपको, है ना, चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है, सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है और सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यानी ये देखा जाए तो उसके नीचे जो है दिख रहा है आपको ये 48 है ना, इसको काउंट किया जाए ये कितना है 48। ठीक है, और ये जो है क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सौर जो है सौर चित्रकारी जनजाति है, ये दर्शाता है कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है, इसमें 60 जो है 60 वृत्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राज्य के चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्रतीक के बारे में और हम प्रतीक को जो है अच्छे से दिखा चुके हैं।
ठीक है, बीच में है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आज क्लास यहीं तक, चलिए थैंक यू।